गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। गाइज आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है आप लोग के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे कैसे अपने बालों को स्ट्रेटनिंग कर सकते हो, वो भी नेचुरल वे से गाइज। और जैसे केराटिन ट्रीटमेंट में बाल स्मूथ और स्ट्रेट होते हैं, वैसे आपको ये नेचुरल मेथड से आपके बाल स्ट्रेट और स्मूथ हो जाएंगे। एंड गाइज इसका एक और फायदा है कि आपको कोई भी हेयर प्रॉब्लम होगा लाइक डैंड्रफ, हेयर फॉल या रिसीडिंग हेयर लाइन, वो भी खत्म हो जाएगा गाइज। गाइज अगर आप केराटिन ट्रीटमेंट लेते हो लाइक हेयर को स्ट्रेट और स्मूथ करने के लिए, तो गाइज उसके पूरे डिसएडवांटेज हैं लाइक मनी भी उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं गाइज, एंड आपके जो हेयर है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाते हैं। एंड जो हम नेचुरल वे आपको बताने वाला हूँ, नेचुरल मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो कम्प्लीटली उसके सब एडवांटेज हैं लाइक मनी सेव हो जाएगा। एंड गाइज इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इनफैक्ट ये आपके बालों को स्ट्रांग बनाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज प्लीज़ एक बड़ा सा थम्स अप यानी लाइक दे दे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Are you listening? So, आपको करना क्या है, एक बाउल लेना है, उसमें 10 टेबल ऑफ स्पून कोकोनट मिल्क डालना है, 1 फुल लेमन जूस और हाफ पाउच ऑफ कंडीशनर। ये तीन चीजों को एक बाउल में मिक्स करें फॉर 10 मिनट्स। फिर गाइस 10 मिनट के बाद उसका जो पेस्ट रहेगा उसके अपने बालों पे अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद गाइज उसको 5 मिनट तक ऐसे रहने दो। फिर 5 मिनट के बाद बालों को पूरा पीछे करो और कैप पहन लो गाइज फॉर 30 मिनट। और 30 मिनट बाद गाइज बालों को धोना है शैम्पू से। गाइज अगर आप ये मेथड प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।